भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना। शुक्ला जी और कल्पना शर्मा जी कहती हैं कि भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना, मेरे चमन को कभी तू न तबाही देना, मेरे भगवान मेरी आरजू यही इतनी, मेरे वतन को वफादार सिपाही देना। एक 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 लोग वतन की रखवाली में काम आए। इसीलिए मेरे मित्रों कहते हैं अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, है तमन्ना यही बात मरने के भी इस बदन पर कफन बस तिरंगा रहे। तालियां बढ़िया से बजाइए, हाथ का कवि हूँ, इधर उधर अच्छी निकल जाए तो थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा है। न 500 चाहिए, फिर से आ जाइए डाउन, अब तक ऊंचाई पे चले गए थे सर। न 500 चाहिए, न 1000 चाहिए, पर मोहब्बतों से सजाइए दरबार चाहिए। आसाराम बापू ने जेल से कहा है हमको, राधे माई तेरा प्यार चाहिए। बहुत अच्छे। जो अपनी पत्नी से प्यार करे उसको राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्यार कर बैठे उसको आसाराम कहते हैं। क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम, खाए रोज किशमिश बादाम, इनको कभी न लागे घाम, ये तो कभी न पड़े विराम, इनके सारी दुनिया नाम, नाम हुआ कैसे बदनाम, 70 साल की उम्र में देखो चेहरा जैसे पक्का आम, रघुपति राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम। बोला आसाराम बापू की, थू थू थू। क्योंकि आश्रम बीच में कन्या शंकर खाते आइसक्रीम, अब देखा जेल में चले गए, ओह बाबा राम रही। एक अध्यापक ने अपने इसी वेद की तरह बच्चे से पूछा, ए बताओ बेटा लड़की में कौन मात्रा लगे? तो लड़का जो है इसी मऊ रानीपुर का था, उसने कहा गुरुजी पहले लड़की तो ले आए, लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगेगा, अगर छोटी होगी तो छोटी एक मात्रा, बड़ी होगी तो बड़ी एक मात्रा। अब आपका जमाना चला गया, मेरा जमाना है, बिना देखे लगाएंगे तो पुलिस उठा ले जाएगी। अब शंभू भाई ने मेरे बालों को जिक्र किया, मैं अपने इन्हीं बालों को खोलकर जैसे ही बंबई सीएसटी स्टेशन पर उतरा हम और शंभू भाई, एक लड़की हमको देख के अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा नहीं बिटिया, हम आसाराम बापू नहीं है। शंभू भैया ने कहा अंबर बाल को तुरंत कटाओ, नहीं तो बंबई भला बुरा सोच डालेगी, तुम्हारे चक्कर में हमको नोच डालेगी। मैं एक सैलून में गया, मैंने कहा तुरंत बाल काटो, बोला 200 रुपया लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद झांसी एमपी उत्तर प्रदेश में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। इतने में एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो पूरा गर्दने उड़ा दे। बहुत अच्छे। कभी हालात ऐसे भी हो जाते हैं, हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें खतरा यही है। एक आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है, सब आता जाएगा, कभी खत्म भी होगा। मुझे पाकिस्तान से खतरा नहीं है, मुझे खतरा अपने वतन के इन तमाम आस पास रहते हुए लोगों से है। भाई को भाई से खतरा, अच्छा लगे टिप्पणी तुम कहना, भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, आदमी को दोस्त से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। तब कहते हैं अंबर भाई चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, क्यों जाएं हम चीन और रशिया, क्यों जाएं ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेते हैं खलिहान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। वहाँ आजादी रहते हैं इसलिए इलाहाबाद कहा मित्रों, कहे इसलिए कि नहीं कहते हैं कि जो है यही बात अब यहाँ हमेशा चर्चे में रहती है, हमेशा एक ही बात अब यहाँ चर्चे में रहती है, सियासत पहले थी छप्पर में अब बगले में रहती है,
हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक इसी धोखे में रहती है और नए और कीमती कपड़े तो पहनाता है बीबी को। कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है? ये नौजवानों।